तो ग्रह कारक हैं, अलग अलग बातों के कारक होते हैं, अलग अलग बातों को सिग्निफाई करते हैं, सिग्निफाई, ठीक है ना। तो सूर्य किस किस को सिग्निफाई करता है? सूर्य आत्मा को सिग्निफाई करता है। आप सोचो सूर्य बुझ जाए, हम सब खत्म है उसी वक्त। तो हमारी जो आत्मा है ना, वो सूर्य का अंश है, सूर्य अंशी है। 18 प्रवर्तक ज्योतिष के, उसमें सबसे पहले कहाँ से शुरू था? सूर्य पितामहो, ठीक है ना। तो सूर्य से शुरुआत थी, सूर्य से सब शुरू होता है। ये आत्मा जो है हमारा है ना, सूर्य का ही अंश है। पिता का कारक सूर्य है, राजा का कारक सरकार, प्रकाश, मान सम्मान, यश, प्रभाव, अहंकार, सहानुभूति, स्वास्थ्य, दाया नेत्र। दिन, दिन का कारक सूर्य है तो अंधेरे का शनि। ऊर्जा का कारक सूर्य है, पराक्रम का कारक सूर्य है, राजनीति का कारक, चिकित्सा विज्ञान का, मतलब ऐसे समझो जिस तरह सूर्य आपका बहुत बली हो तो आप चिकित्सक बन सकते हो इजीली। गौरव आप फैल जाएगा आपका अगर सूर्य बली है तो, मान सम्मान बढ़ जाएगा। पित्त का कारक है सूर्य, मंगल भी पित्त का कारक है आयुर्वेद में। कैल्शियम कहते हैं ना, कैल्शियम लेना है तो क्या है, सूर्य की किरणों का सेवन करो। विटामिन डी सूर्य की किरणें। दवाएं इन जनरल सूर्य कारक है। तेज, ठीक है ना। तो चंद्रमा भावना का, मन का, माँ का, मतलब चंद्रमा अगर आपका बली है तो आपको माँ का सुख मिलता रहेगा, सूर्य बली है पिता का सुख मिलता रहेगा, मंगल बली है छोटे भाई बहनों का, उनका सुख मिलेगा, भाई छोटे भाई खासकर। शक्ति, मंगल शक्ति देता है, पराक्रम देता है, साहस देता है, कॉम्पिटिटिवनेस देता है आपको, उत्तेजित करता है मंगल। मंगल भी पित्त का कारक रहे, अगर आपका मंगल बहुत बली है, ऐसे समझो मंगल का प्रभाव है लगन पे बहुत ज़्यादा, तो पित्त प्रधान हो आप, आपको सर्दियाँ अच्छी लगेंगी क्योंकि गर्मी बहुत लगती है आपको फिर, इस तरह से, ठीक है ना। बुध वाणी का कारक है। अब मेरा बुध मान लो बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। जिस तरह सिद्धू का मैंने बताया था, नवजोत सिंह सिद्धू का बुध भद्र महापुरुष योग बना रहा है 10वें भाव में, उसी को एंजॉय कर रहा है वो, ठीक है ना। बुध अब देखो बोलने चालने का, उसी की वजह से पॉपुलैरिटी है, प्रसिद्धि है, बात बात पे शेर कह सकते हैं, शेर, ठीक है ना। तो बुध क्या है? गणित, ज्योतिष, तर्क, अभिव्यक्ति, अपने आप को एक्सप्रेस करना। लेखाकार यानी आप अकाउंटेंट है, सीए है, सीएफए है, ये सब बातें, सीएस, ये सब इससे देखते हैं मरकरी से। आजकल जो सबसे अमीर लोग हैं वो मरकरी से गवर्न्ड है। ये पूरी सब इंटरनेट, आईटी इंडस्ट्री, ठीक है ना, ये सब मरकरी से गवर्न्ड है। व्यापार, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कमीशन एजेंट, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, प्लेस, फ्रेंड्स इन जनरल, आपकी चमड़ी जो है। अब जिस तरह कन्या राशि है, आप सोचो कन्या, कन्या का मतलब ही होता है, देखो कन्या का कन्या जैसी लगती है। तो आपकी अगर मरकरी की राशि कन्या राशि लग्न में है या चंद्रमा उस राशि में है, तो आप अपनी उम्र से बहुत कम लगोगे, 10-20 साल कम लग सकता आदमी कन्या राशि वाला। इस तरह से जब तक ये याद नहीं करोगे ना, बात नहीं बनेगी आगे। इन जनरल बाग बगीचे मरकरी से रिलेटेड है, फूल पौधे, फूल खासकर शुक्र से रिलेटेड है, लेकिन ग्रीनरी इन जनरल इज गवर्न्ड बाय मरकरी। जुपिटर का गहना, गहन ज्ञान, विजडम, प्रज्ञा, जन्म जन्मांतर का संचित ज्ञान, संतान इन जनरल। जुपिटर का एक्सपेंशन का कारक है, तो पैसा उससे आप एक्सपेंड होते हो, संतान आती है, आगे पीढ़ी चलती है, उससे आप एक्सपेंड होते हो, ज्ञान से आप एक्सपेंड होते हो, ठीक है, ये सब बातें। मीठा, खाने पीने की मीठी चीज़ें, बुध क्या है, कंबाइंड टेस्ट है। सूर्य क्या है, कड़वी चीज़ें। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है नीम की दातुन करो, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है नमक, नमक का यूज़ करिए। मंगल क्या है, तीखी चीज़ें, चरपरी तीखी, वो टेस्ट है मंगल का। गुरु का है मीठा, मीठी चीज़ें, मिठाई सारी, ठीक है ना। विश्वविद्यालय, हायर एजुकेशन मतलब। तो ये सब चीज़ें, धार्मिक स्थान, धार्मिक यात्राएं, शरीर में बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। कई बार मैंने देखा है राहु की दशा में वेट गेन हो जाता है, तो ऐसे ही मामले में राहु के साथ कई, वो सॉरी, गुरु के साथ राहु बैठा होता है, गुरु की दशा में वेट गेन हो जाता है, तो गुरु के साथ राहु बैठा होता है तो उसमें क्या है, बॉडी की ग्रोथ हो जाती है बहुत ज़्यादा फालतू की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, पति, तो स्त्रियों के लिए पति क्या है, उससे एक्सपेंशन होगा परिवार का, वो सब, ये सब मतलब हैं। फल, सारे फल वो सब गुरु से लेते हैं, गुरु क्या फल है। तो शुक्र क्या, खट्टी चीज़ें, उनका कारक है, पति पत्नी, विवाह, एन्जॉयमेंट,
सेक्सुअल एन्जॉयमेंट, ओके, सौंदर्य संगीत काव्य, मतलब सारे ललित कलाएं, फाइन आर्ट्स, अपना सुंदर बनना बनाना, ये सब काम, जिस तरह जो ये आप लेडीज़ के ब्यूटी पार्लर वगैरह हैं, तो जब तक उसका खुद का शुक्र अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगी ढंग से, कोई भी लेडी ब्यूटी पार्लर नहीं चला पाएगी। इत्र है, या इवन दूध की दही जमा दी, दैट विल बी वीनस। दूध इट सेल्फ क्या है? चंद्रमा। उसकी दही बना दी, वो शुक्र हो जाता है। आपने आइसक्रीम बना दी, वो शुक्र हो जाता है। शुक्र क्या है? प्रोसेस्ड आर्टिकल्स। कोई भी चीज़ प्रोसेस कर दी आपने, सुंदर बना दी, इवन आपने बहुत बढ़िया से प्रेजेंट कर दिया, वो जो सैलड खाते हो आप, वो भी शुक्र हो जाता है। फिर शुक्र क्या? आपकी देखने की शक्ति। देखने की शक्ति, ये मैं बता दूं, वो शुक्र है। लेकिन आप देख पाते हो लाइट में, तो लाइट के कारक क्या है? सूर्य दिन में और चंद्रमा रात में। लेकिन शुक्र अगर ख़राब है तो उसकी आँखें खराब होने के पूरे चांस हैं, ये बता दूं मैं। और शुक्र से आठवें में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, खासकर गुरु ही होगा फिर, या बुध भी हो सकता है शुभ होके, तो फिर बहुत सुंदर आँखें होती है आदमी की। शनि क्या है? कर्म है। शनि दासता है, शनि नौकरी करना है। शनि जनरली आयु का कारक भी है, दुख रोग मृत्यु, रोग ऋण शत्रु ज़्यादातर शनि से रहते हैं। आजीविका जॉब, मतलब गरीबी, नौकरी करना, बुढ़ापे का कारक है शनि, जीर्ण रोगों का कारक है, लंबी बीमारियां जो चलती हैं, लोहा तेल, इसलिए इनका दान करवाते हैं शनि को अपने ऊपर से दूर करना है तो, ठीक है। तो शनि को लंगड़ा कहा गया, तो पंगुता, लंगड़ापन, अनैतिक और अधार्मिक काम, विदेशी भाषा। राहु क्या है? राहु है विदेशी आदमी, जाति से बाहर, वर्णाश्रम धर्म से बाहर। तो जो सब ऐसी चीज़ें जो सोच नहीं सकते आप, जो अपने रोज़मर्रा में नहीं है, अनैतिक काम, इलीगल, एंटी सोशल, अनैथिकल, इमोरल, झूठ बोलना, ठीक है ना, विष। अब अमृत का कारक क्या था? गुरु। विष का कारक राहु है। यहाँ पे धार्मिक यात्राएं कुछ हद तक, क्योंकि राहु ने भी अमृत पिया था, मेनली धार्मिक यात्राएं लेते हैं गुरु से। कठोर वाणी, जुआ खेलना, ऐसे तर्क देना, बातों में उलझाने के, फालतू के भ्रमण करते रहना हर वक्त, राहु पहिए का कारक है। राहु केतु हर वक्त ऐसे घूमते रहते ना, तो बस यात्राएं, ऐसी यात्राएं जिनका कोई फल ही नहीं निकलता, ऐसे भटकते रहो बस। विजातीय लोग, ये मतलब पागलपन, डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस, ये सब राहु से गवर्न है, ठीक। केतु क्या है? मोक्ष का कारक ग्रह, मंदिर, कुष्ठ रोग, गुप्त रोग, राहु केतु से ऐसे रोग देखते हैं जिनको डायग्नोज नहीं किया जा पाता। अगर राहु केतु का इफेक्ट ज़्यादा है ना, नेगेटिव, तो रोग ही डायग्नोज नहीं हो पाएंगे। सालों तक इलाज चल रहा है, बाद में पता चला बीमारी तो कुछ और ही थी। तो जादू टोना करवाना, तांत्रिक काम करवाना, शत्रुओं को नुकसान पहुँचाना, ये सब केतु।